नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है फेक और नॉट। मैं हूँ मिथिका दत्त, जिससे फेक न्यूज से है एलर्जी और उसके खिलाफ मैं करती हूँ एनर्जी और सच्चाई का एक और डोज लेके मैं आई हूँ वापस आज। बस आपको मेरे पांच सवालों का सही जवाब देना है और आप जीत सकते हैं अमेजिंग प्राइजेस। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और खेलते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों, हमारी ये खबर आ रही है सीधा हॉलीवुड से, जहां होते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। आप जानते ही होंगे कि फिल्मों से जुड़े किसी भी इंसान के लिए एक ऑस्कर कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम भारतीय ऑस्कर के बारे में सोचते हैं तो एक ही फिल्म याद आती है, स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसके लिए AR रहमान, रसूल पुकुटी और गुलजार साहब घर लाए थे ऑस्कर की कई सुनहरी प्रतिमाएं। लेकिन भारत की कई जानी मानी हस्तियों को मिला है ऑस्कर, जिसमें से एक है प्रसिद्ध निर्माता सत्यजीत रे। तो अब आप मुझे बताएं, सत्यजीत रे ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे, फेक या नॉट फेक? अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्में अभी तक नहीं देखी तो आप कर क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं आप? पाथेर पांचाली, जलसागर, दी इनर आई, ऐसी कई गजब की फिल्में बनाई हैं उन्होंने। तो छोड़िए ये 7000 करोड़ वाली फिल्में और आज सत्यजीत रे की बारीकी नजर से बनाई हुई कोई फिल्म देखिए। वैसे इस भाषण के लिए मुझे भी एक ऑस्कर मिल जाना चाहिए, सुन रहे हो ऑस्कर वालों? लेकिन ये जवाब है बिल्कुल फेक। सत्यजीत रे को ऑस्कर जरूर मिला था। वो ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑनररी एकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। लेकिन ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय थी भानु अथैया। उन्हें मिला था ऑस्कर 1983 में रिचर्ड एटेनबरो की फिल्म गांधी के लिए फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। भानु जी ने कई और प्रसिद्ध फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं, जैसे लेकिन, लगान और स्वदेश। दर्शकों, बहुत समय से हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी चंद्रिमा मुझे रोज अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तस्वीरें भेजती है। दोस्त हो तो ऐसे बिल्कुल नहीं, सॉरी चंद्रिमा, तुम जानती हो मैं कीटो डाइट पर हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि चाहे लोगों के बीच कितनी भी दूरियां हो जाएं, इंटरनेट से वो फिर भी जुड़े रहते हैं। हमारा प्यारा इंटरनेट, जिसपे हम शाहरुख खान को स्टॉक करते हैं, फिल्में देखते हैं और फेक न्यूज को बस्ट करते हैं, तकरीबन 31 साल का है। लेकिन मुझे ये सुनने में आया है कि इंटरनेट से भी ज्यादा पुराना है ईमेल। ऐसा कैसा हो सकता है कि इंटरनेट के बिना ही ईमेल पहुंच गया? आप बताइए दर्शकों, ईमेल दुनिया में इंटरनेट से पहले आया था, फेक या नॉट फेक? वैसे दर्शकों, निजी जिंदगी में मुझे ईमेल लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि आप अपनी सारी भड़ास एक लंबे पैराग्राफ में निकाल सकते हैं और फिर एक सेकंड के अंदर अंदर डिलीट कर सकते हैं। बॉस को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसे ईमेल में कितनी घटिया गालियां दी। मेरा मतलब है कि ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ दर्शकों, वास्तव में ईमेल इंटरनेट से काफी पहले आया था। ईमेल की उम्र कुछ 55 साल की है। ईमेल का पहला उदाहरण मेलबॉक्स नामक प्रोग्राम था, जो MIT में इन्वेंट हुआ था, वो भी 1965 में। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब किसी को ईमेल भेजने से पहले अपने मेलबॉक्स को पाए लागू कर देना, क्योंकि वो हमसे काफी बुजुर्ग हैं। दर्शकों, ये अगली खबर भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी के बारे में है। मैं बात कर रही हूँ इंफोसिस की, जिसकी शुरुआत 1981 में 7 इंजीनियर ने पुणे में की थी, जिसमें से एक थे नारायण मूर्ति। सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए का उधार लिया था इस कंपनी को शुरू करने के लिए। अब प्रश्न आपसे है दर्शकों, इंफोसिस की शुरुआत सुधा मूर्ति जी से 10,000 रुपए के कर्ज लेकर हुई थी, या नॉट फेक? 1981 में 10,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी दर्शकों, और आज के मुकाबले में 1981 के 10,000 रुपयों की कीमत होगी कुछ 1,85,000 रुपए। आपको अपने साथी पर अटूट भरोसा होना चाहिए इतने पैसे उधार देने के लिए। सुन रहे हो ना गणेश, भरोसा, ट्रस्ट, जो मुझे तुम पे बिल्कुल नहीं। तो 10,000 तो क्या, मैं तुम्हें 10 रुपए भी ना दूं, और प्लीज मुझे मेरा 2 रुपीज वाला पेन वापस करो। और जवाब है बिल्कुल नॉट फेक। ये बात बिल्कुल सच है कि सुधा मूर्ति जी ने इंफोसिस के लिए अपने पति को 10,000 रुपए दिए थे, और मार्च 2019 में इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था $46.52 बिलियन।
कुछ सीखो इनसे। आज ही पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करो और गणेश मेरे पेन के बारे में मत भूलना। ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश में दिखा पीले मेंढकों का झुंड और कई लोगों का मानना है कि ये निकल आए हैं कोरोना वायरस के वजह से। पहले टिड्डियां और अब ये मेंढक कब खत्म होंगे ये डरावने अपशगुन। कब मानवता को राहत मिलेगी कोरोना वायरस से, कब पहुंचेगी मेरी दाल मखनी, भैया आधा घंटा हो गया है। तो कोविड 19 के कारण MP मध्य प्रदेश में पीले मेंढक निकले, फेक या नॉट फेक। मेंढक चाहे जिस भी रंग के हो उनसे कई लक्षण जुड़े हुए हैं। जापान में मेंढक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और रोम के लोगों का मानना है कि मेंढक घर में शगुन लाएगा। इजिप्शियंस का मानना है कि मेंढक जीवन और फर्टिलिटी का प्रतीक है। लेकिन क्या ये पीले मेंढक कोरोना वायरस का प्रतीक है? ये जवाब है बिल्कुल फेक। भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान ने सोशल मीडिया पर बताया कि मेंढक की कोई भी प्रजाति कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है और ऐसा सोचना बेहद बेवकूफी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन बुलफ्रॉग की ये प्रजाति हर सावन में अपना रंग बदल के पीला हो जाती है मादा मेंढकों को आकर्षित करने के लिए। मैं इन मादा मेंढकों को बस ये कहना चाहूंगी कि प्रिंस चार्मिंग समझ के वो एवी किसी भी मेंढक को अपना दिल ना दे बैठे। दर्शकों, जिंदगी क्या है? एक स्नूकर टेबल और हम इंसान हैं स्नूकर के बॉल्स जो चारों दिशाओं में भाग रहे हैं अपनी मंजिल पाने के लिए। वाह, आज मैं खबरों के साथ साथ फिलोसॉफी भी सुना रही हूँ। शायद आज नाश्ते में पोहे के साथ मैंने एरिस्टोटल भी खाया है। खैर, बात करते हैं स्नूकर की, जिसके बारे में मुझे खबर मिली है कि ये खेल जबलपुर में इजाद हुआ था। घड़ी आ गई है कि आप मुझे बताएं, स्नूकर का आविष्कार जबलपुर में हुआ था, फेक या नॉट फेक। दर्शकों, स्नूकर एक बहुत ही अच्छा इंडोर गेम है जो आप आजकल टाइम पास करने के लिए खेल सकते हो, लेकिन टाइम पास के लिए किसी के दिल के साथ मत खेलो। एरिस्टोटल जी कुछ ज्यादा इच्छा गए। एनीवे, और इस सवाल का जवाब है नॉट फेक। जी हाँ दर्शकों, 1875 में जबलपुर में तैनात ब्रिटिश सेना की 11वीं डेवनशायर रेजिमेंट के अधिकारियों की मैस में लेफ्टिनेंट नेविल फ्रांसिस फिट्ज़जेरल्ड चैम्बरलेन ने स्नूकर का इजाद किया था। स्नूकर नाम भी तब इजाद हुआ था जब चैम्बरलेन जी ने एक प्लेयर को रियल स्नूकर कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऊप्स, लगता है आज का टाइम यही खत्म हो गया। तो मैं जमशेदपुर के सोना बनाने वाले चूहे की खबर आपको कभी और सुना दूंगी। अगर आपने पांचों सवालों के सही जवाब दिए हैं तो आप प्राइज जीत गए हैं। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाएं। तो मिलते हैं कल इसी जगह, क्योंकि मैं तो वैसे भी कहीं नहीं जा रही हूँ।